हेलो बच्चों, अब हम फर्स्ट लेसन जीव जगत के अंतर्गत अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, जीवों का नामकरण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉमेना। क्या है ये? मतलब किसी भी जीव के नाम देने की विधि को ही हम क्या बोलते हैं? नॉमेना। नाम देने की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए समझते हैं। एक है जैव विविधता। जैव विविधता मीन्स पृथ्वी पर जितने भी जीवों की संख्या है, उसकी वैरायटी है, उसे ही हम बोलते हैं जैव विविधता। मतलब जैव में विविधता, जीवों में विविधता, किसमें? उनके संख्या में, उनके प्रकार में। कहाँ पे? पृथ्वी पर। तो उसे हम बोलते हैं जैव विविधता। जीवों की संख्या एवं टाइप में जो विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन है, उसे ही हम बोलते हैं जैव विविधता। एनसीईआरटी के बुक के अनुसार 1.8 मिलियंस एनिमल्स क्या हैं, अब तक ज्ञात हो चुके हैं। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हम लोग क्या करते हैं? जीवों को उनके लोकल नाम से जानते हैं। वह नाम जो जगह टू जगह, प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है, और जबकि कंट्री टू कंट्री भी बदलता रहता है। तो वैज्ञानिकों को और स्टूडेंटों को स्टडी करने में, किसी जीव के खोज करने में बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि किसी प्लेस में उसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता है और किसी दूसरे जगह पे किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। इनसे क्या होता है, स्टडी करने में तकलीफ होती थी, क्लासिफिकेशन करने में तकलीफ होती थी। तो साइंटिस्टों को आवश्यकता हुई जीवों के नामकरण, नेमिंग ऑफ लिविंग्स, जिसे बोलते हैं नॉमेना क्लेचर। नाम देने से यह आवश्यकता, ये फायदा है कि उसको जहां भी जाएंगे, हर जगह उसको केवल एक ही नाम से जाना जाएगा। इस तरह कह सकते हैं जो लोकल नेम है वो बदलता रहता है। इसके बदले में साइंटिस्टों ने क्या कहा कि जीवों का हम यदि वैज्ञानिक नाम दें तो है वैज्ञानिक नाम पूरे संसार में वैध है। इट मीन्स जितने भी संसार के साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, बायोलॉजी से संबंधित रिसर्च करने वाले हैं, बायोलॉजी से संबंधित स्टूडेंट हैं, वो इस वैज्ञानिक नाम से क्या होंगे? कंफ्यूजर नहीं होंगे। अर्थात किसी भी जीव का यदि वैज्ञानिक नाम है तो आदर्श है, सभी संसार के साइंटिस्टों द्वारा पहचाना जा सकता है। तभी एक संस्था बनी, ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नामक्लेचर, जबकि दूसरा है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नामक्लेचर। इससे क्या हुआ, इसमें पौधों का नामकरण किया गया, इसमें एनिमल्स का नामकरण। यह थी जीवों के नामकरण की आवश्यकता। अब आते हैं साइंटिस्टों ने कैसे कैसे नाम पद्धति को डेवलप किया, आइए उसके बारे में स्टडी करते हैं। पहला जो है नाम देने की पद्धति है, उसको नाम बोला गया है क्या? द्यू नाम पद्धति। द्यू नाम मतलब दो नाम वाला, ये पद्धति दिया गया था, जिसको हम इंग्लिश से बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? कैरोलस लिनियस नाम वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रस्तुत किया था अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी और सिस्टेमा प्लांटी। इस दो बुक के हिसाब से उन्होंने जीवों का नामकरण किया था। कैरोलस लिनियस के अनुसार कोई भी जीव विज्ञान के नाम, बायोलॉजिकल नाम के दो भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो वंश होता है, जिसको हम जीनस बोलते हैं, जबकि दूसरा जो भाग होता है उसे हम जाति बोलते हैं, अर्थात स्पेसिफिक नेम कहते हैं। यह कहा जा सकता है कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला जो भाग लिखा जाएगा वो वंश है, दूसरा भाग जो लिखा जाएगा वो जाति। आइए इसको एग्जाम्पल से समझें। हम एक मटर ले लेते हैं, उसका जो
वैज्ञानिक नाम है, बोटेनिकल नेम है, उस बोटेनिकल नेम का क्या है, पाइसम सेटाइवा। पाइसम जो है ये आपके जीनस अर्थात वंश को इंडिकेट करता है, जबकि दूसरा जो है वो स्पीसीज जाति को प्रदर्शित करता। ये तो हो गया बायोलॉजिकल नेम के दो भाग, लेकिन कुछ संस्थाओं ने रूल्स बनाए थे कि क्या नाम कैसे होने चाहिए। पहला रूल ये था कि जो वैज्ञानिक नाम होगा वो छोटे होंगे, सरल होने चाहिए, जो आसानी से पढ़े जा सकते, लंबे नाम से दूरी बनाए रखें। नंबर दो, ये जो वैज्ञानिक नाम है वो लैटिन से व्युत्पन्न होने चाहिए। मैक्सिमम जो वैज्ञानिक नाम होते हैं लैटिन भाषा से व्युत्पन्न होते हैं और इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। नंबर तिरछे अक्षर मतलब कि जब भी कोई बुक में इसको लिखा जाएगा, छपाई किया जाएगा, प्रिंटर किया जाएगा, तो हमेशा ये नॉर्मल इंग्लिश से वो थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखा जाता है, जिससे कि आसानी से पहचाना जा सके यह जीव का क्या है, वैज्ञानिक का नाम। अगला नियम कहता है कि वैज्ञानिक नाम में सबसे पहले वंश लिखा जाएगा, फिर बाद में जाति लिखा जाएगा। वंश का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल लेटर से प्रारंभ होगा, जबकि जाति का जो पहला अक्षर है वो स्मॉल लेटर से प्रारंभ। वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद हम उसको अंडरलाइन, अलग अलग अंडरलाइन करते। ये अलग अलग अंडरलाइन करने से ये पता चलता है कि जब भी कोई मानव लिखेगा तो वो लिखने के बाद उसको अंडरलाइन करेगा, इस अंडरलाइन से समझ में आ जाएगा कि ये वैज्ञानिक का नाम। ये हुआ जीव नाम पद्धति। फिर से बता रहे हैं, इस पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, पहला नाम वंश, दूसरा नाम जाति, इसीलिए इसको कहा गया क्या, जीव नाम पद्धति का। इसके बाद कुछ डेवलपमेंट हुए तो त्री नाम पद्धति आया, जिसको हम बोलते हैं, जिसको लैमार्क ने यह पद्धति दिया था। इस त्री नाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव के तीन नाम होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला नाम हम जान ही सकते हैं पहले से कि पहला जो नाम है वो वंश है, जिसे हम लोग जीनस बोलते हैं। जो दूसरा नाम है वो जाति है, जिसे हम स्पीसीज बोलते हैं या स्पेसिफिक। और थर्ड नेम है उपजाति। ये जो नाम दिया गया, तीन नाम है, एक, दो और तीन, इसी से बना है त्री नाम पद्धति। ये एग्जाम्पल है किसका, आपका कैबेज का। जैसे ह्यूमन का नाम लिया जाता है, हम लोग का नाम है होमो सेपियंस सेपियंस, तीन नाम है, यह त्रिनाम पद। थैंक यू।